बार बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद, संपर्क किए जाने के बावजूद 4 महीने से उस आदेशों की पालना नहीं हो रही है, जिसके रोष के स्वरूप आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन करा जाएगा। ऑल रेवेन्यू एम्प्लाइज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। राजस्व विभाग में SC/ST कर्मचारी, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदारों की पदोन्नति में भेदभाव को लेकर उपजा रोष। राजस्व विभाग में SC/ST कर्मचारियों, पटवारियों, भू अभिलेख निरीक्षकों, नायब तहसीलदारों की पदोन्नति में भेदभाव सहित अन्य समस्याओं को लेकर गुरुवार को ऑल रेवेन्यू एम्प्लॉयज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के बैनर तले रेवेन्यू बोर्ड के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। समस्त कर्मचारी पटेल मैदान से जुलूस की शक्ल में रवाना होकर राजस्व मंडल पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन किया गया। SC/ST OBC महासंघ के अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा और अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के प्रांतीय महामंत्री प्रवीण कुमार मीणा ने धरना प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बताया। मैं रामस्वरूप मीणा SC/ST OBC महासंघ अध्यक्ष राजस्थान का, आज ये रैली निकाली जा रही है। ये राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का एक आदेश है 11/11 का, उसके आधार पर SC/ST के कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति लाभ से वंचित करने का एक काला कानून है। हमारी मांग है सरकार से कि 11/9/2011 के आदेश को निरस्त किया जाए, निष्क्रिय किया जाए। उसके आधार पर जो भी हमारे लोग सीनियर है, वरिष्ठ है, मेरिट के लोग हैं, उनको भी आरक्षित वर्ग में मान रखा है और सामान्य वर्ग से सीनियर है, हमारे लोगों को जूनियर करते हुए सामान्य वर्ग के जूनियर लोगों को हमारे ऊपर बैठा जा रहा है। ये सरकार की अच्छी सोच नहीं है। आपको पता है कि SC/ST के वोटों से सरकारें बनती है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की। एक हमारी सोच है कि सरकार हमें लाभ नहीं देगी तो हम इनका कैसे इनको वोट देंगे, कैसे इनका भला करेंगे। किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम विरोध अभी तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्ञापन दिए जा चुके हैं सारे अधिकारियों को, सारे मंत्रियों को। अभी लास्ट में रेवेन्यू बोर्ड का ज्ञापन था, अगर आज कुछ सुनाई होती या नहीं होती है तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री के CM हाउस में हजारों की संख्या में लोग आएंगे। पटवारी ये नहीं, पूरे राजस्थान के SC/ST लोग आज कितनी संख्या में? आज करीब 1,500 की संख्या में लोग हैं, 3,000 की संख्या लोग हैं, अभी आ रहे लोग, बाकी 3,000 की संख्या में लोग हैं। यहाँ पर ज्ञापन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, पहले ज्ञापन देंगे, बुलाएंगे, वो ज्ञापन पर अगर सकारात्मक वार्ता होती है तो ठीक है, नहीं तो अगला कदम बहुत प्रदेश सरकार संगठन का वो संघर्ष का कदम होगा जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। एक ही मांग है हमारी, एक ही मांग है, 11/9/2011 का आदेश है उसको निष्क्रिय करें। बताइए, ऑल इंडिया ऑल रेवेन्यू स्टाफ एम्प्लॉयज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के तहत पूरे राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10/8/22 को हमने ज्ञापन दिया पूरे राजस्थान में समस्त तहसीलों में, ये कहते हुए कि हमारी जो आदेश जारी हुआ 27/4/22 को, उस आदेश की पालना करी जाए राजस्व मंडल के द्वारा। बार बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद, संपर्क किए जाने के बावजूद 4 महीने से उस आदेशों की पालना नहीं हो रही है, जिसके रोष के स्वरूप आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन करा जाएगा।